कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप सभी ठीक होंगे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं, देख के आए हैं एग्जाम देने जाएंगे। तो अभी तो ये गहने मैंने ज्वेलरी उतारनी है क्योंकि ज्वेलरी पहन के एग्जाम में नहीं घुसने देते हैं। फिर जाएंगे हम सेंटर पे, दौसा में हमारा सेंटर आया है तो हम जाएंगे, अभी बाइक से ही जाएंगे। ये देखो हमने तैयारी कर ली है, एग्जाम वाले कपड़े पहन लिए हैं वरना तो लेंगे लूट पहन के रहते हैं घर पे। तो देखो हम गांव आ गए हैं, गांव में है अभी। और ये देखो हमारे यहाँ पे बत्ती लगाते हैं, और अभी काम चल रहा है मकान का, बाहर भी बहुत ठंड पड़ रही है। अभी ऊपर का सीन और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इधर जंगले में से होके उधर सरसों बो रखे पीछे जस्ट। ये देखो मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। अब इसमें बच्चों की बुक्स वगैरह रखे मेरे भैया की, और इधर से तो सरसों अच्छी तरह दिख रही है, इधर से सूर्य देव प्रकट हो गए हैं तो अच्छी तरह दिख रहे हैं इधर से तो। और अभी ऊपर जाके और दिखाती हूँ आपको। और ये वाला आज क्या है तो इस पर पाँव नहीं रखने दे रहे हैं, और बाहर बिछाएंगे पत्थर। तो मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से ऊपर, ये देखो इधर उनका कातनी बो रखा है, इसमें शीशे लगेंगे अभी तो, शीशे लगने बाकी है। और ये काकड़ी है, पपीता का पेड़ है, और इधर नीम का पेड़ है, उधर सरसों है। और अभी तो मैं ऊपर नहीं गई, जा ही रही हूँ। अब आ गई मैं ऊपर, ऊपर सामान बिखरा फैला है, देखो नीचे काम चल रहा है तो पूरा सामान ऊपर बिखर रखा है। और ये ऊपर वाला किचन है, ये सादा किचन बनवाया ऊपर क्योंकि नीचे बढ़िया बना लिया है, तो ये तो कभी ऐसे बरसात और साथ में खाना बनाने के लिए चूल्हा रखने के लिए, मिट्टी का चूल्हा रखने के लिए बनाया है ये, वरना गैस वाला नीचे है किचन। और ये वाले कटड़ा है, सामान बिखरा फैला पड़ा है पे। और इधर देखो ये सर हमारी सूर्य भगवान तो प्रकट हो चुके हैं, धूप फिर निकल चुकी है। तो इधर देखो ये हमारे हमारे खेत है, पूरी सरसों हमारे हैं वहाँ तक। और देखो ये इधर भी हमारी है, ये पूरी सरसों, और उधर गेहूँ है, और इधर ये बाड़ी बो रखी है लेकिन ये हमारी नहीं है, उधर देखो दूसरों की है। हमारे तो सरसों गेहूँ बो रखे हैं इस टाइम, चन्नी है उधर थोड़े से, और खेत दूर है थोड़ी, उधर घर पहले रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मैं गई नहीं, वरना वहाँ का घर भी दिखाऊंगी मैं आपको कभी, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ वहाँ पे, बहुत कम जाती हूँ भी। और उधर वो केले के पेड़ है देखो, और नीचे पापा जी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं शायद, नीचे मेरे भैया है और पापा है, वो मिस्त्री से बात कर रहे हैं, और नीचे और बनवा रहे हैं कुछ तो उनके लिए बात कर रहे हैं वो भी। और देखो अभी मैं इनको उतार दूँगी सबको, तो बहुत बुरी लगने लग जाऊँगी, ये भी उतारना पड़ेगा क्योंकि ये पहन के घुसने नहीं देते, ये भी सारा उतार के जाने वाली हूँ अभी मैं, अभी तो घर पे हूँ, भैया लेके जाएंगे तो अभी उतारूँगी फिलहाल इनको। और देखो उधर होटल है लेकिन दिख नहीं रहे क्योंकि बबूल का पेड़ आ गया उधर, तो उधर बहुत सारे आदमी बैठे हुए चाय पीने आते हैं रोजाना सुबह सुबह।
वो लोग बाग पानी मोड़ रहे हैं, इधर पानी खूब है हमारे गांव की तरफ तो तूफान करने जा रहे हैं, लाइट आ रही है, और हमारे ससुराल में तो पानी की कमी है, तो वहां पर पानी नहीं मोड़ना पड़ता है। ये जरंज का काचनी बोई रखा है, खूब हो रहा है, बड़ा बड़ा भैंसों को काट के खिलाते हैं, और उधर भैंसे बंध रही है। ये देखो सर्दी भी पड़ रही है बहुत तेज, उधर भैया बात कर रहा है किसी से, क्या पता। और देखो नीचे हमारी भैंसे बंध रही है उधर, और मैं नीचे जाके आपको और घर वालों से और मम्मी से मिलाती हूँ। अब जा रही हूँ मैं नीचे, खाना खाऊंगी भी तो, खाना तो क्या, नाश्ता करके जाएंगे। तो मम्मी गरमा गरम आलू के पराठे बना रही है, हम खा के जाएंगे आलू के पराठे। और इसके अंदर अंधेरा ही है, अभी लाइट नहीं आई, लाइट नहीं लगाई है, उसे फिटिंग नहीं की है, लाइट कर तो रखी है इधर, ये तो लगा तो रखा है, लेकिन अभी ऊपर लाए नहीं, कनेक्शन करी, कनेक्शन नहीं हुआ है। वहाँ तक है पूरे गेहूँ, ये गेहूँ ही गेहूँ है, अभी तो छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, हमारे गांव के गेहूँ की खेती है ये। और इसमें बथुआ भी हो रहा है, अभी इसकी नलाई नहीं हुई है, शाम का सा टाइम हो गया, तो वीडियो साफ नहीं आ रहा है। ससुराल और टिकिया खाने के लिए देखो यहाँ पे बैठे हैं, नुस्खा बैठी है, देखो नुस्खा भी खाएगी, क्या खाएगी नुस्खा, कचौरी खाएगी तू, कचौरी खा रही है, ऐसे बोल रहे कि मेरी कचौरी नहीं खिलाएगी तू, मेरी मम्मी नहीं, क्योंकि हमारे पास गर्मा गर्म टिकिया और हम खाने लग गए। देखो इसकी अलग है, ये भी खा रही है, हमारी अलग है, बहुत टेस्टी टिकिया बनाते हैं यहाँ पे,